हकीकत यूपी के फतेहपुर जिले में बदमाशों व पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे एसपी सहित आला अधिकारी ने घटनाक्रम का जायजा लेते हुए पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। पहले से ही पकड़े गए दोनों गौ तस्करों के खिलाफ जिले के कई थाना क्षेत्रों में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गेट खोला पीछे वाला, वो ले चलो। आज अभी थाना बिंदकी क्षेत्र में आलमगंज गांव के जंगल में एसओजी और बिंदकी पुलिस के द्वारा बदमाशों से मुठभेड़ हुआ है, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। शाकिर और अंसार, ये दोनों गौकस हैं, शातिर अपराधी हैं। इन पर विभिन्न थानों में कई मुकदमे कायम हैं, हथगांव में, सुल्तानपुर घोष में, औंग में, बिंदकी में, और इनके कब्जे से ढेर सारा गौकसी करने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। दो तमंचे, ढेर सारे कारतूस, गाय इनके पास से मिली है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी, और इस पूरी टीम को हमारी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जाएगा। शासन की प्राथमिकता में है कि गोवंश की हत्या करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, उसी के तहत हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध है कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम करेंगे।